तेजस्वी प्रकाश को लेकर उमर रियाज के दिल में एक गिल्ट है। जी हाँ, उन्होंने इस गिल्ट के बारे में बताया कि आखिर क्यों उन्हें बुरा लग रहा है ये चीज ना करने के लिए। क्या है पूरी अपडेट, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फूज। आपको बताना चाहूंगी कि कल हमने देखा किस तरीके से कैप्टेंसी टास्क चल रहा है घर के अंदर, और उस टास्क के बीच में तेजस्वी प्रकाश एक एक्टिंग करती हैं और वो कहीं ना कहीं खांसने का, चोक होने का एक्टिंग करती हैं। और उमर को सभी बुलाते हैं कि आ जाओ, उसकी हेल्प करो, तुम भी डॉक्टर हो यहाँ पर, ये सारी चीज़ें बोलते हुए नजर आते हैं। अब उस बीच देख उमर रियाज नहीं जाते हैं। अब उस बात को लेकर उनके दिल में बहुत ज़्यादा गिल्ट है प्रतीक, और जहाँ तक देखा जाए उमर ये सभी किचन एरिया में जमा हुए हैं और बातें कर रहे हैं। प्रतीक बोल रहे हैं कि सब ऐसे बोल रहे थे कि तेरा प्रोफेशन है, तुम्हारे प्रोफेशन पे तुम बंदे के बोल रहे हो और वो नहीं आ रहा है, ऐसे थोड़ा चलता है, साफ पता चल रहा है, एक्टिंग है, ये है, गेम भी तो इम्पॉर्टेंट है। तो उमर कहते हैं कि यार मुझे बुरा लग रहा है, मैं जानता हूँ कि वो एक्टिंग कर रही है, अच्छे से एक्टिंग कर रही है, और पर उमर मैंने खुद के लिए खुद को बोला कि उमर तेरे लिए गेम इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है कि तू वहाँ जा नहीं रहा है। वो गिल्ट मेरे अंदर बहुत है, बहुत ज़्यादा वो गिल्ट है। तो ये बातें कहीं ना कहीं उमर प्रतीक के सामने कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिस तरीके से तेजस्वी प्रकाश के मुंह से धूप निकल रहा था और पाउडर निकल रहा था, तो कहीं ना कहीं बहुत जेन्युइन और सीरियस लगा। तो फिर भी मैं नहीं गया, और पर मुझे लगा कि गेम इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आके मेरे लिए गेम इम्पॉर्टेंट हो गया, जबकि मैं डॉक्टर हूँ और इस प्रोफेशन में हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सामने वाला पेशेंट होता है, जिससे कुछ प्रॉब्लम हो तो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम तुरंत जाएँ। तो ये बातें कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है और ये गिल्ट बहुत ज़्यादा है मेरे अंदर। लेकिन प्रतीक उसी टाइम पे उन्हें समझाते हुए नज़र आ रहे हैं कि गेम था और साफ दिख रहा था कि वो एक्टिंग कर रही है, और ताकि इस तरीके से तुम अपनी गेम छोड़कर आ जाओ, तो तुमने सही किया अपनी जगह पर। लेकिन हम आप सभी से जानना चाहेंगे, आप हमें बताइए कि उमर रियाज ने तेजस्वी प्रकाश की मदद ना करके सही किया या गलत उस गेम के बीच में, जो भी हुआ आपकी क्या राय है बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और देखते रहे फीफा फूस इसी तरीके की खबरों के लिए।